अबे ये तो चुप बैठा है, लगता है अपनी चीख निकालेगा। गलती बाइक की है, बंदे की नहीं। जो पैसा लगाया वो गया। लगाया तो नहीं, पर सोच रहा हूँ तुम पर जुआ खेल लूं। चिलिया चाचा, इनसे अगली रेस के पैसे ले लो। मैं चिल्लर लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ा सोच रहा हूँ। तुम लोग मेरे लिए काम करोगे, तेरे बाप को पैसे पहुंच जाएंगे। टाइम पास मत करो साहब, मेरा बाप तो मुझे दारू की बोतल के लिए बेच देगा। मेरे लिए आए हो, मेरे से बात करो। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है बे, हैं? इसके अलावा कोई चारा भी नहीं साहब, ना किसी ने लोरी गाकर सुलाया है, ना किसी ने माथा चूमकर उठाया है। तेवर दिखा था? तेवर ना दिखाओ तो लोग आंखें दिखाने लगते हैं। सले जावेद, इन दोनों को काम पे लगा दो, कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू। ए साहब, अपना नाम तो बताओ। नाम बता दिया तो पहचान बुरा मान जाएगी। क्या हो गया भाई, ये दूध पीते बच्चे किस काम के? जावेद, दूध में नींबू जिसने डाला, पनीर उसका। इस उम्र की वफादारी जिद जैसी होती है, जो धीरे धीरे जुनून बन जाती है, फिर अपने ही खिलाफ बोलने वालों के लिए जहर बन जाती है। बड़ा आदमी था। देख बेटा, अभी तक लात पड़ती थी, आज पहली बार किसी ने हाथ दिया। और अपनी एक सेइंग है, जो दे साथ उसके रहो खास। भरोसा जीत भी लिया, फिर भी है तो बच्चे ही। अरे एक से एक करू लाइन में खड़े हमारे इशारे के लिए। फिर भी इस बच्चे में इतनी जरूरत थी कि वो मुझसे मांडोली कर सके। इस शहर के शहंशाह लोग महलों में रहते हैं, पर इस जंगल को चलाने के लिए जो शेर चाहिए वो सड़कों पर ही पैदा होते हैं। अपने मर मर के जीने की आखिरी रात है। हाँ यार, कल से अपनी जिंदगी उस बड़े आदमी के नाम। खुदा इतनी जहमत कर कि बंदे भी थोड़ी रहमत कर। I really can't understand. It's already 5 past our time. दर्शक बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं, बड़े हैरान हैं, बेचैन हैं कि टॉस क्यों नहीं हो रहा है। दो ओवर का टाइम निकल चुका है, टॉस कब करोगे? लगता है सर के पास सिक्का नहीं। मैं दूं क्या सर? इन्होंने जीता, हेड्स आया, बैटिंग हम करेंगे। रजाक गेंद करने जा रहे हैं, राइट आर्म ओवर द विकेट, और इस बॉल को कलाइयों के सहारे ग्लांस कर दिया खूबसूरती के साथ लॉन्ग लेग की तरफ। पापा जी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इस बॉल पे छक्का लगाने वाले हैं। सामने बोलर देखा है कौन है? मुश्ताक, आप मजाक कर रहे हैं क्या? दिल पर हाथ रख लो, अब बहुत जोरों से धड़कने वाला है। काफी अच्छे गेंदबाज है, अगली बॉल। और वैसे आप ही अपने दिल पे हाथ रख लें, टूटने वाला है। या फिर ये कैच हो सकते हैं क्योंकि खिलाड़ी ठीक नीचे हैं, लेकिन ये बाउंड्री लाइन के बाहर चैलेंज के लिए। ये कैसे हुआ? आप जादूगर हैं क्या? जादूगर नहीं, जीनी हूं, जीनी। खूबसूरत लड़कियों की ख्वाहिशें पूरी करता हूँ। खूबसूरत शॉट निकलता हुआ, एक्स्ट्रा कवर की तरफ से 4 रन। बहुत माहिर खिलाड़ी हैं आप।
खिलाड़ी था, अब पूरा खेल। काला चश्मा तुम पे काफी सूट करता है। मुझे किसी ने कहा था कि मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तभी से ये काला चश्मा पहन के रखता हूँ। बैट्समैन इज ऑन 99। पापा जी हिट द बॉल हाई अप इन द एयर। सेंचुरी कितने पास और आउट। हाय अल्लाह, आज के मैच में अल्लाह इंटरेस्ट नहीं ले रहे, मैं ले रहा हूँ। सेंचुरी होके रहेगी पापा जी की। बॉल सीधा फील्डर के हाथ में जा रही है। लगी शर्त। कैसी शर्त? वहाँ उसके 100 हुए, यहाँ 100 मिनट तुम मेरे साथ मेरे पास में गुजारोगी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं शादीशुदा हूँ। आउट, आउट। काश शर्त लगा लेती, मैं जीत जाती। तो अभी लगा लो। लग गई शर्त। देखो। नो बॉल। नो, ये नहीं हो सकता। वो शर्त सिर्फ एक मजाक था, उसे सीरियसली मत लेना। मैं एक बार धंधे के पैसे छोड़ सकता हूँ, पर जीत का माल नहीं। आज रात पूरा का पूरा माल लेके घर आ जाऊँ। मुझे आज कहीं जाना। मैं जानता हूँ, आज रात आप और आपके पति समीर दीक्षित मेरे घर आ रहे हैं। तुम? शोएब, शोएब है नाम मेरा। मेरे घर एक छोटी सी दावत है, दावत आपके पति मनाएंगे, उड़ाऊंगा मैं। तुम हो, मैं हूं, तुम्हारी काली साड़ी और अंदर के सब कपड़े लाल। लाल बत्ती से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है, हमेशा मेरे पीछे रही है, आज आगे। समीर। हाय भाई, आपकी बीवी कमाल की है। किस्मत वालों को मिलती है ऐसी बीवी। आखिर बीवी किसकी है सर? आखिर बीवी तो आप ही की है। कहाँ है इस वक्त? बाहर होगी, अब हमारे साथ यहाँ जेंट्स टॉयलेट में थोड़ी ना आएगी। सही बात है, आपके साथ जेंट्स टॉयलेट में क्या करेगी वो? एग्जैक्टली। चलिए आप चलिए, मैं हाथ धो के आया। सी यू। अरे वर्धन भाई, आप क्यों खड़े हो गए? आपके आने पर तो हम खड़े हुआ करते थे। और वैसे भी मैंने ये मीटिंग इसलिए बुलाई है कि अब मेरे आगे कोई नहीं खड़ा होगा। बैठो जावेद। यह तो सुल्तान का नक्शा है। और यह है शोएब की बंबई। यह नक्शा क्या कोयले से बनाया है? सारा काला कर रखा है। हमारा इलाका कौन सा है? वर्धन भाई, हमको यहाँ जलाने के लिए बुलाया है क्या? ये बड़े बड़े फैसले तुम्हारे समझ के बाहर है। साफ जाहिर है, एक रंग एक राजा। अगर ये फैसला हमें मंजूर ना हो तो? अगर किसी को भी लगता है कि वो मुझसे दो कदम आगे है तो ये रही बंबई, चढ़ा लो इस पे अपना रंग। लेकिन एक बात याद रखना, जितने मेरे खिलाफ खड़े हुए हैं वो साले कब्र में पैर फैला के लेटे हुए हैं। सुल्तान के बाद अगर बंबई पे कोई राज कर सकता है वो है सिर्फ शोएब। अरे सुल्तान ने शहर के 5 हिस्से किए थे। सुल्तान बहुत अच्छा आदमी था। मुझे अच्छा बनने का कोई शौक नहीं है। सुना है ऊपर वाला अच्छे लोगों को बहुत जल्द अपने पास बुला लेता है। मुझे तो लगता है इसका जन्मदिन भी नहीं है। हमें बुला के सब कुछ ले लिया, हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। क्या रे, तेरा मेरा करता है? सब कुछ मेरा है, पर ऐसा नहीं कि तुम लोगों को अपना हिस्सा नहीं मिलेगा। जरूर मिलेगा। तुम्हारे सारे धंधों का हिसाब आज से हम रखेंगे, पर किसी का हक नहीं मारेंगे। बाकी की जिंदगी इज्जत और आराम से कटेगी। जितना कमाते हो उससे ज्यादा ही मिलेगा। वर्धन भाई, ये रावल कहाँ है? मैं समझा दूंगा उसे, वो तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएगा।
रावल मान गया तो ठीक है, वरना गलत काम तो मैं बचपन से करते आ रहा हूं। भाई कल कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया? जावेद, 10 साल लगे हैं इस वक्त को खड़ा करने के लिए, इतनी पावर और पैसा जमा करने के लिए कि कोई सामने चू करने से पहले 2 बार सोचेगा। मुझे बंबई का एक हिस्सा नहीं चाहिए, पूरी की पूरी बंबई चाहिए। अब अगर दान किया तो धंधा बुरा मान जाएगा। ये क्या हो रहा है भाई? शैतान साला बम से भी नहीं मरा। अब गांव जाओ, भेष बदलो, बुर्का पहनो, मंदिर के बाहर भिखारी बन के बैठ जाओ, लेकिन पकड़ मत जाना। हाँ, अगर अपना एक भी आदमी पकड़ा गया ना तो हमारे घर में सिर्फ औरतें बचेगी, बस औरतें। रिलैक्स। व्हाट रिलैक्स? रिलैक्स डार्लिंग, तुम बेकार ही डर रहे हो। शोएब के कितने दुश्मन हैं, और बम पर तुम्हारा नाम थोड़ी ना लिखा था। उसे कैसे पता चलेगा कि हमले के पीछे तुम ही हो? यह कमीनी हरकत रावल के अलावा कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन वो साला ये भूल गया कि जो खेल उसने शुरू किया है खत्म मैं ही करूंगा। वो आपके बंबई में नहीं होने का फायदा उठा रहा है, उसे लगता है वो वहां पे महफूज है। हाँ। मच्छर जिसका खून पीता है साला मरता भी उसी के हाथों है, और उसके लिए मच्छर का हाथ मारना भी जरूरी है। जावेद, बंबई की ऐसी कोई चीज नहीं है जो शोएब के पहुंच के बाहर हो। क्या मतलब? मतलब ये कि बहुत दिनों बाद बंबई ने मुझे अपनी बाहों में बुलाया है, अब देखना ये है कि वो गले लगाती है या फिर गला काटती है। मुमताज घर से बाहर आ चुकी है। फॉलो हर, मुझे एक मूवमेंट की खबर चाहिए। चलो। आ गई हैं, और सर सभी में काली कुर्ते वाली औरत बैठी है। टैक्सी नंबर क्या मेरा बाप नोट करता? किया क्यों नहीं? तुमने ये क्या है? सर सभी टैक्सी का नंबर भी एक ही है। शाबाश, एक काम करो, वर्दी का बिल्ला बदल लो और टैक्सी चलाना शुरू कर दो। बंबई की पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी है। मीटर कितना भी तेज भाग ले, टैक्सी से आगे नहीं भाग सकता।
तुम बिल्कुल नहीं बदले। 12 साल 6 महीने 15 दिन याद है तुम्हें? अच्छी तरह याद है। रास्ते पे ध्यान दो, ये बदल गए हैं। ये बंबई भले ही कुमकुम से किमी काट कर हो गई है, पर आज भी आंखें बंद करके तुम्हें आधी बंबई घुमा सकता हूं। वालेकुम सर। जब तक मैं बंबई में हूं तुम ऊपर दूसरे माले पे रहोगी। तुमने फैसला किया है तो ठीक ही होगा। पुलिस को घुमा के आराम से बैठेंगे। जी भाई। असलम कहाँ है? भाई वो अंगड़िया लोग नहीं है जो हीरो की स्मगलिंग करते हैं, तो असलम गए उनकी फील्डिंग करने के लिए। कहता है जब चैलेंज मिलता है तो वो चार्ज हो जाता है। की बहुत जल्दी है क्या? अभी तो मेरी एंट्री हुई है, डीएन आने में बहुत टाइम बाकी है दोस्त। बचा भी लिया। मैं एक दिन में 2 गलत काम नहीं करता। तेरा कुछ समझ में नहीं आया भाई। असलम को समझने के लिए दिमाग नहीं, दिल लगता है।